चंपई सोरेन सरकार ने जीता विश्वास मत पक्ष में 47 मत पड़े। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सरकार ने आज सोमवार को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पास कर ली। विश्वास मत प्रस्ताव के पक्ष में 47 वोट मिले जबकि विरोध में 29 मत पड़े। विधानसभा के दो दिवसीय विशेष सत्र के पहले दिन सीएम चंपई सोरेन ने सदन में विश्वास मत का प्रस्ताव पेश किया। 82 सदस्य विधानसभा में गांडे विधानसभा सीट JMM विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के त्याग पत्र के कारण खाली है जबकि JMM के रामदास सोरेन और BJP के इंद्रजीत महतो विधानसभा नहीं पहुंच पाए। घाटशिला के JMM विधायक रामदास सोरेन किडनी की समस्या के कारण दिल्ली के अस्पताल में भर्ती है। वहीं बीजेपी विधायक इंद्रजीत महतो लंबे समय से हैदराबाद के एक अस्पताल में इलाजरत है। निर्दलीय विधायक सरयू राय ने वोटिंग नहीं की, उन्होंने न पक्ष का समर्थन किया और न ही विपक्ष का, उन्होंने खुद को तटस्थ रखा। इसके अलावा निर्दलीय विधायक अमित महतो सदन से अनुपस्थित रहे। JMM के वरिष्ठ नेता व सीबू सोरेन के करीबी माने जाने वाले चंपई सोरेन ने 2 फरवरी को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। बहुमत साबित करने के लिए 5 फरवरी तक तय हुई। उन्होंने आज विश्वास मत पेश किया और इसके बाद इस पर चर्चा हुई। चर्चा की शुरुआत चंपई सोरेन ने की और बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।